हेलो दोस्तों, शेखावाटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास होगी मैथ्स की और उसमें भी हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत में भी ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे, पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रीट, उन सभी के लिए खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनमें से जो प्रतिशत के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे साथ बने रहो। आपको डेली से अब लगातार वीडियो मिलेंगे। अब डेली आपको मैथ का एक वीडियो आपको मिलेगा नए नए टॉपिक के साथ, नए नए क्वेश्चनों के साथ। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ आपको वीडियो उपलब्ध होगा। तो देखो, किसी संख्या का 24% हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। किसी संख्या का 24% 612 है तो संख्या बताओ। वैसे सीधा सा क्वेश्चन है, एक्स मान के भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम सारे क्वेश्चन हैं वो जैसे आर्ट वाले बच्चे, मैथ वाले बच्चे तो इसको कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट वाले बच्चे हैं जो इनको नहीं पढ़ पाते हैं उन सभी के लिए है ये, तो उन सभी के लिए है। तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देखना, किसी संख्या का 24% 612 है तो उस हमें क्या बताना है, संख्या बतानी है। अब एक मान तो इसके अंदर प्रतिशत में दिया गया है और एक मान इसमें संख्या में दिया गया है। प्रतिशत में मान 24 है और संख्या में मान हमारे पास कितना है, 612। आपको ध्यान इसमें यह रखना है कि जो संख्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट मान कौन सा है, संख्या। प्रतिशत का पता है हमें, प्रतिशत 24, 100 से ऊपर तो जाएगा नहीं, प्रतिशत का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो संख्या है वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, संख्या इंपॉर्टेंट है। तो संख्या यहां पर क्या है, 612 है। और ये 612 किस प्रतिशत के बराबर है, 24% के बराबर है। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो आपको अभी बता रहा हूं। सीधा सा फॉर्मूला आप लिखोगे कुल के लिए, कुल के लिए फॉर्मूला है, मतलब हमें वो संख्या बतानी है। तो संख्या निकालने के लिए कुल के लिए एक फॉर्मूला है, वही बट्टे प्रतिशत वही गुणा 100, यह फॉर्मूला है हमारा। तो यहां से देखो, 612 वही का मतलब है जो बिना संख्या, संख्या है सिर्फ, प्रतिशत के अलावा जो संख्या है वो, वही का मतलब क्या हो गया, 612 गुणा बटे में क्या आ गया, प्रतिशत में वही, प्रतिशत में वही क्या है, 24। 24 प्रतिशत किसका मान है, 612 का। तो प्रतिशत में वही क्या आ गया, 24, और गुणा में क्या आ गया, 100। यहां से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 50 और ये 12, ये कितनी बार, 6 बार, और ये 25 बार, इसको 1, 0 और 2 गुणा कर देंगे, 0, 5 और 2, 5, ये हमारा आंसर हो गया। इससे आगे क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन और है, देखो एक किसी संख्या का 37% 111 है तो उस संख्या का 42% बताओ, यह हमारा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 37% 111 है तो उस संख्या का कितने प्रतिशत बताओ, 42% बताओ। अब वही बात, हमारे हमें क्या देखना है, 111 और ये किसका मान है, 37% का। तो सीधा सा फॉर्मूला, 111 बट्टे 37 गुणा, अब की बार 100 नहीं है, क्या है, 42% पूछा है, यानी कि कुल नहीं पूछा, अब की बार क्या पूछा है, 42% पूछा है। तो 42 लिख देंगे, 37 का भाग जाता है 3 बार, 126 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसको आप और भी कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन भी इसकी जगह आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहां 42 की जगह क्या लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो, 70 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहां भी मान है अगर 37% का दिया है, यहां पर कोई दूसरा मान आप चेंज करके लिख सकते हो, कितने भी क्वेश्चन यहां से बना सकते हो। अब इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित हमारे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित होंगे। यही जो एक फॉर्मूला है वही अब लगेगा इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज कुछ अलग होगी, लैंग्वेज कुछ चेंज होगी, मतलब जो क्वेश्चन की भाषा है वो थोड़ी चेंज होगी, वो आपको समझनी होगी।
जैसे हमारे पास क्वेश्चन है अब किसी संख्या का, किसी संख्या का 49%, किसी संख्या का 49%, किसी संख्या के 49% व 21% का अंतर 350 है तो संख्या बताओ। हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या का 49% व 21%, 21% का अंतर दे रखा है, अंतर कितना दिया है 350 है, तो हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है। 23% में दी है 49 और 21, संख्या हमें दी है एक, कितनी दी है 350। अब मुझे यह बताना है कि 49 का मान 350 है या 21 का मान 350 है, इन दोनों में से कोई भी मान 350 नहीं है। आपको क्वेश्चन समझना है, समझना है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझना है। देखो मैथ में क्या होता है कि ये जो संख्या होती है इनसे कुछ नहीं होता, जो लैंग्वेज होती है वो समझनी होती है आपको। अब लैंग्वेज क्या है, किसी संख्या के 49 व 21% का अंतर, मतलब मेन वर्ड है वो ये है कि अंतर दिया है, किसका अंतर दिया है हमें ये बात समझनी आवश्यक है। अंतर किसका दिया है, 49% और 21% का अंतर कितना दिया है 350। हमारा सूत्र लग जाएगा, देखो ये अंतर है एक, तो संख्या में अंतर आ गया हमारे पास, कितना आया 350, प्रतिशत में अंतर कितना आ जाएगा 21 और 49 का अंतर, इन दोनों का माइनस कर देंगे कितना आएगा 28 आएगा। तो पहली बात है 49 माइनस 21 कितना आया 28%, 28% किसके बराबर है 350 के बराबर। अब जो हमारा फॉर्मूला पहले दो क्वेश्चनों में जो फॉर्मूला लगाया था वही लग जाएगा वापिस, 350 बटे 28 गुणा 100, 100% संख्या ही तो पूछी है, कुल के लिए यही तो फॉर्मूला था, कुल के लिए फॉर्मूला था तो लगा दिया, 7 का भाग जाता है 7 5 35 और 7 4 28 क्या आ गया 25, 25 को 50 से गुणा करेंगे 25 5 125 कितना आ गया आंसर 1250। ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप यहां पर दूसरा क्वेश्चन, एक अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, नोट कर लेना आप। क्वेश्चन है किसी संख्या का 50% व 13% का अंतर 624 है, तो संख्या का 70% बताओ, तो उसी संख्या का 70% बताओ। यह हमारा क्वेश्चन था, आप इसको नोट करके इसके आंसर खुद को निकालने हैं। एक एग्जाम में पास होने के लिए 34% अंक अनिवार्य हैं, यदि 1 छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और वह 45 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ।
क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जाम में पास होने के लिए 34% अंक अनिवार्य हैं। यदि एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और वह 45 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो परीक्षा का क्या बताना है, पूर्णांक बताना है। जरूरी क्या था, कितने प्रतिशत अंक पास होने के लिए, 34%। अंक कितने आए, 28%। फेल कितने से हो गया, 45 नंबर से फेल हो गया। मतलब दो चीजें हमें किसमें दी हैं, प्रतिशत में। तीसरी चीज किसमें दे दी, अंकों में दे दी, मतलब नंबर दे दिए, संख्या दे दी। संख्या कितनी है, 45। अब हमें देखना यह है कि 28 और 34 है, ये 34 का मान 45 है या फिर 28 का मान 45 है, किसका मान 45 है, ये तो हम बता नहीं सकते। देखो परीक्षा का एक पैटर्न होता है, यानी कि कोई भी क्राइटेरिया होता है, जैसे हमारे यहाँ 33% पास के लिए रखा जाता है, 33% के पास के लिए रखा जाता है। इससे ऊपर इससे नीचे आते हैं वो, इधर 0 है, इधर 33 है, इससे ऊपर पास वाले हैं सभी। लेकिन ये एक क्राइटेरिया है कि यहाँ तक नंबर आएंगे तो ही क्या होगा, पास होगा। इसके कितने आए, 28% नंबर आए, ये 33% का है, नंबर कितने आए, 28%। और कितने अंकों से फेल हो गया, 34 है यहां पर, कितने अंकों से फेल हो गया, 45 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन में ये जो बीच का भाग है, ये 45 नंबर है या नहीं है, 45 नंबर यही तो हुआ, 34 और 28 के बीच, यानी कि फेल कितने से हुआ, यहां पर कितने प्रतिशत से फेल हुआ, 34 और 28 के बीच कितना प्रतिशत है, 6%। और 6% के कितने अंक हुए, 45, यानी कि 6% किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो दो चीजें हमें यहां पर निकालनी थी, प्रतिशत निकालना था हमें, अंक दे रखे थे, लेकिन हमें यह बताना था कि 45 मान किसका है, 45 मान किसका है, फेल और पास के जो परसेंट दे रखे थे उनके बीच कितने प्रतिशत है, यानी कि 34 और 28 के बीच कितना प्रतिशत है, 6% है, किसके बराबर है, 45 के बराबर है। अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर सीधा सीधा, क्या हो जाएगा, 45/6 × 100, यानी कि पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, कुल, कुल के लिए इसको काट देंगे, ये कितना आ गया, 50, 3 और 15, 15 को गुणा कर दो सीधा, 0, 15, 75, 750, टोटल पूर्णांक कितना आ गया, 750, यानी कि परीक्षा कितने नंबर की थी, टोटल पूर्णांक कितना था, 750 का था। यह हमारा क्वेश्चन था। अब आप इसी में और कोई क्वेश्चन भी कर सकते हो, किसी संख्या के किसी परीक्षा में पास होने के लिए 34% अंक अनिवार्य हैं। यदि उसे यदि कोई छात्र 26% अंक प्राप्त करता है और वह 52 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। परीक्षा का, अब परीक्षा का पूर्णांक ही पूछना ये जरूरी नहीं है, वो ये भी पूछ सकता है कि 60% अंक कितने होंगे वो बताओ, 70% अंक कितने होंगे वो बताओ। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो पहले तो क्या निकालोगे, इसका पूर्णांक निकालना पड़ेगा, उसके बाद 70% निकालना पड़ेगा। अब अगर 70% पूछ रहा है तो यहां पर सीधा आप क्या लिख सकते हो, 70, तो वो पूर्णांक नहीं आके क्या आएगा, 70% आएगा। अगर 100 लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा, कुल पूर्णांक आ जाएगा। तो आप इन छोटी छोटी जो ट्रिक हैं ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो ये है कि आपको टाइम उसके अंदर नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है उसके लिए टाइम 20 सेकंड 30 सेकंड, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है तो आप एक्स मान के इसको करोगे तो बहुत सा टाइम इसमें आप वेस्ट कर दोगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। आप जुड़े रहो हमारे साथ, चैनल के को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत से बहुत, हम यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी परीक्षा में आ रहे हैं। हम सारे पेपरों को ऐसे चेक करके आपको ये जो क्वेश्चन करवाएंगे, वो सारे पेपरों को चेक करके आपको ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई पहचान वाला है उसको भी बताएं कि हाँ ये वीडियो यहाँ से चलाया जा रहा है, इस चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब करो। आगे का हमारा क्वेश्चन है, एक शहर की 25/12 जनसंख्या पुरुष है, आधे पुरुष विवाहित हैं, तो अविवाहित जनसंख्या का क्या बताना है, हमें प्रतिशत बताना है। हमारा क्वेश्चन है 25/12, यानी कि उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 25,
और उसमें कितने पुरुष हैं, 12 क्या हैं, पुरुष हैं। गांव की कुल जनसंख्या कितनी, 25, और 12 क्या हैं उसके अंदर, पुरुष हैं। तो आप लिखोगे देखो कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है 25, पुरुष कितने हैं 12, यानी कि पुरुष पुरुष कितने हैं 12, तो पुरुष पुरुष 12 हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई, 13 महिलाएं हो गई, दो बात हो गई। यानी कि 25 की जो जनसंख्या है आप ऐसे समझो, ये 25 है, टोटल जनसंख्या कितनी है 25। अब 25 में हमने क्या बोला कि 12 क्या हैं, पुरुष हैं, और 13 क्या हैं, 13 क्या हैं, 13 महिलाएं हैं। 12 पुरुष हैं, 13 महिलाएं हैं। अब ये बोल रहा है कि आधे पुरुष क्या हैं, आधे पुरुष विवाहित हैं, आधे पुरुष विवाहित हैं, तो इसमें से 6 पुरुष क्या हो गए, विवाहित हो गए, और 6 पुरुष क्या हो गए, अविवाहित। ये तो क्या हो गए, विवाहित, और ये क्या हो गए, अविवाहित। अब विवाहित हैं तो पुरुष है, तो ये जानवर से तो शादी की नहीं होगी, किससे करेगा, महिला से करेगा, महिला से करेगा, तो इसमें से 6 महिलाएं क्या होंगी, विवाहित होंगी। यानी कि 6 पुरुष हैं तो 6 महिला भी क्या हैं, विवाहित हैं, विवाहित हैं, तो इसमें से 7 महिलाएं क्या हो गई, अविवाहित हो गई। समझ गए बात। अब हमारे पास अविवाहित का टोटल आ गया क्या, अविवाहित का टोटल कितना आया, यहां से तो 7 है, यहां से अविवाहित कितनी है, 6 है, टोटल कितनी हो गई, अविवाहित संख्या कितनी हो गई, 13। अविवाहित कितने हुए, 13। हमें प्रतिशत निकालना है, 13 कितने में से हैं, 25 में से, यानी कि टोटल कितने हैं, 25, 25 में से 13 क्या हैं, अविवाहित हैं। तो क्या लिखोगे, 13/25 और गुणा में क्या आ जाएगा, 100। हमें इनका प्रतिशत निकालना है, किसका, अविवाहित का, अविवाहित का प्रतिशत निकालना है, तो 13/25 गुणा 100, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 13×52, यानी कि अविवाहित पुरुष या फिर अविवाहित जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 52% जनसंख्या क्या है, अविवाहित है। एक बार दोबारा समझ सकते हो इसको, देखो नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा समझ लो, टोटल कितने थे, टोटल देखो हमें क्या दिया रखा है, 25 है, उसमें से 12 क्या है, पुरुष है। टोटल क्या दिया है, 25, इसमें से 12 क्या है, पुरुष। यानी कि टोटल है 25, 25 में से 12 क्या है, पुरुष, 12 पुरुष है, 13 क्या है, महिलाएं हैं। अब 12 पुरुष और 13 महिलाएं हैं, ये बोल रहा है कि 12 पुरुष में से आधे आधे विवाहित हैं, तो 12 का आधा कितना हो गया, 6 तो क्या है, विवाहित हैं, और 6 अविवाहित हैं। अब ये 6 हैं तो ये ऐसा तो है नहीं कि किसी और से, मनुष्य से, या मनुष्य से ही तो विवाह करेंगे, और मनुष्य में भी किससे करेंगे, महिला से विवाह करेंगे, ये तो है नहीं कि कोई जानवर से विवाह कर लेंगे। तो ये 13 है, इनमें से 6 महिला भी क्या होंगी, विवाहित होंगी। तो 6 पुरुष विवाहित हो गए, यहां पर 6 महिलाएं क्या हो गई, विवाहित हो गई। यहां पर 6 अविवाहित हैं पुरुष, और 7 महिलाएं क्या हैं, अविवाहित हैं। टोटल कितने हो गए, अविवाहित 13। कुल जनसंख्या कितनी है, 25। 25 में से 13 क्या हो गए, अविवाहित। तो 13/25 गुणा 100, यानी कि कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, 52% इसमें क्या आ जाएगा, अविवाहित आ जाएगा। नोट कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा आगे, एक चुनाव में ए बी से 34% मतों से हार गया, 34% मतों से हार गया, यदि बी के मतों की संख्या, यदि बी के मतों की संख्या
2010 से हो तो ए के मतों की संख्या बताओ। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, एक चुनाव में ए बी से 34% मतों से क्या हो गया, हार गया। यदि बी के मतों की संख्या, बी के मतों की संख्या कितनी दे रखी है, 2010 है, तो ए के मतों की संख्या क्या करनी है, हमें बतानी है। एक चुनाव था उसमें ए बी से 34% मतों से हार गया। ए बी से कितने मतों से हार गया, 34%। हारा कौन है, ए हारा है। किससे हारा है, बी से। कितने प्रतिशत मत से हारा है, 34% मत से हारा है। तो आप यहां से बी को पहले लिखोगे और ए को बाद में लिखोगे, तो क्या लिख सकते हो, बी प्लस ए बराबर कितने प्रतिशत मत होंगे, 100%। कितने प्रतिशत होंगे, 100%। और B माइनस A बराबर कितने होंगे भाई, कितने प्रतिशत मतों से आ रहा है, ये अंतर ही तो है इनका, 34% मतों से आ रहा है, तो ये कितना आएंगे, 34। यही हुआ। अब देखो अगर A प्लस बी बराबर 100 हो और B माइनस A बराबर 34 हो, अगर A प्लस बी और B प्लस A और B माइनस A ऐसी अगर कोई संख्या आए, तो देखो इन दोनों का अंतर अगर योग करके 102 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो बड़ा मान है वो आएगा, और माइनस करके भाग लगाएंगे तो जो छोटा मान है वो आ जाएगा। तो यहां से देखो 100 और 34 है, अगर हमें बी का मान निकालना है तो बी बराबर तो क्या हो जाएगा, 134/2। 134 में भाग लगा दो, 2 का 6 और 7, कितने प्रतिशत है, 67%। यानी कि बी को कितने प्राप्त हुए, 67%, हमें प्रतिशत में प्राप्त हुए हैं अभी। बी को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, 67%। अगर ए का निकालना है तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कर दो 100 में से 34 माइनस करने हैं, 34 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 66/2, कितना आ गया, 33%। इन दोनों का अंतर आप देख सकते हो कितना है, 34। समझ गए बात। यहां से देखो ए 66/2, 33% आ गया, बी कितना आया, 67%। दोनों का अंतर कितना दिया है, 34% हमें मतों से वो हार गया। तो हमें क्या बताने, ए के मतों की संख्या बतानी है, ए के मतों की संख्या बतानी है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें कुल निकालना पड़ेगा, यहां से कुल निकालना पड़ेगा। तो कुल निकालेंगे, और सीधा ही कुल निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या निकाल देंगे, ए का 33% हम निकाल चुके हैं, यहां पर कितना निकाल चुके हैं, 33%। तो पहले कुल निकालने की अब आवश्यकता नहीं है कि आप पहले कुल निकालो उसके बाद उसका 33% निकालो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे हम, ये 34 बी का मान दे रखा है हमें, बी का मान कितना दिया है, 2010 दिया है, तो क्या आ जाएगा, 2010/67 गुणा में क्या आ जाएगा, 33। ठीक है, तो इसका भाग जाता है इसके अंदर 30 बार, गुणा कर देंगे कितना आएगा, 990 मत। यानी कि ए के मतों की संख्या कितनी आ गई, 2010/67 गुणा में 33, ए बराबर कितना आ जाएगा, 990 मत। ये किसको प्राप्त हुए, ए को प्राप्त हुए। अब आपको अगर लंबा करना है, इसको ज्यादा और बढ़ाना है, तो क्या करोगे आप, 2010/67 गुणा 100, यानी कि टोटल जो मत डाले गए थे वो मत आ जाएंगे यहां से, ये कितनी बार जाएगा, 30 बार। यानी टोटल मत कितने डाले गए थे, 3000 मत उसके अंदर डाले गए थे। अब इसका 33% है, 33/100, बात तो वही है, 30 को किससे गुणा करना है, 33 से, और इसका कितना जाएगा, 990।
मतों की संख्या कितनी आ जाएगी 990। तो ये काम करने की बजाय आप यहां पर क्या लिख सकते हो, सीधा 33 लिख सकते हो, तो वो हमारा आंसर ये आ जाएगा। नोट कर लो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नोट कर लिया तो आप इन्हीं क्वेश्चनों पर दो या चार क्वेश्चन आप खुद कोई भी बुक का सहारा ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर किसी बुक में आपको मिले या कोई पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो उनसे आप क्वेश्चन ये कर सकते हो। अगले वीडियो में इसी सीरीज के जो क्वेश्चन हैं, जो जिनकी लैंग्वेज थोड़ी इनसे अलग होगी, इनसे हार्ड होगी, जो एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित है। अब ये क्वेश्चन आगे आपको जो आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर उसमें करवा दिए जाएंगे। तो आप इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात वीडियो आप पहुंचाओ। जो लोग आसपास में आपके रहते हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करो। धन्यवाद।